आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हिजाब का स्कूल कॉलेज में पहनकर आने वाले हाईकोर्ट की बंदिश के चलते उसका विरोध कर बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या पर ज्ञापन दिया। मीडिया से वार्ता करते हुए नगर अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने कहा कि श्रीमान गृह मंत्री महोदय, आप उड़ीपी विद्यालय के प्रकरण को नजदीक से अवश्य देख रहे होंगे। कॉलेज में अराजकता का तांडव हुआ जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बजरंग दल ने शांतिपूर्वक विरोध प्रकट किया, यह भी मुस्लिम अज्ञाताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ और बजरंग दल संयोजक हर्षा की 4-5 लोगों ने मिलकर छुरा घोप कर निर्मम हत्या कर दी। ऐसे निंदनीय अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपसे इस ज्ञापन द्वारा मांग करते हैं कि इन आतंकवादी लोगों पर रासुका लगाकर गिरफ्तारी कर धारा 302 के अंतर्गत फांसी की सजा हो। जिन जिन लोगों ने कॉलेज के अंदर हिजाब को मुद्दा बनाकर हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और 5 साल की सजा हो। देश में लोग हिजाब को लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना आवश्यक हो गया है। आपसे निवेदन है कि ऐसे तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर एक मिसाल कायम करें। आपके द्वारा अपराधियों को शीघ्र सजा मिलेगी और हर्षा के परिवार वालों को 50 लाख की राशि सरकारी नौकरी सहायता के रूप में प्रदान की जाए। ज्ञापन देने में मौजूद रहे जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, विभागाध्यक्ष ललित माहेश्वरी, प्रांत मंत्री राधेश्याम विश्वकर्मा, जिला प्रचार प्रमुख भूपेंद्र सिंह, जिला सेवा प्रमुख ललित मचलनगर, उपाध्यक्ष विक्रांत खटीक, विवेक शास्त्री, सुनील वर्मा, विशाल लोधी, शुभम कुटवा, शिवम तायल, मनोज मेघा आदि लोग मौजूद रहे। क्या मुद्दा लेके आया आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हूँ। डीएम साहब के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कर्नाटक के अंदर हर्षा नाम का एक कार्यकर्ता था अपना, उसकी मुस्लिम आतताइयों ने हत्या कर दी। इसी मांग को लेकर आज पूरे देश में हमने ज्ञापन दिया है, बजरंग दल ज्ञापन दे रहा है और हम अपनी मांग रख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जो हर्षा की हत्या की गई है उसके आरोपियों को फांसी हो और इसके परिवार वालों को 50 लाख की सहायता और सरकारी नौकरी इसको तुरंत मिले और परिवारों को सुरक्षा प्रदान। क्या लगता है कारण क्या रहा था? कारण ये है कि हिजाब, आपने देखा कि मुजफ्फरनगर के अंदर भी कल भी कहने लगे भगत सिंह रोड पर एक महिला पकड़ी गई हिजाब के अंदर चूरे, वो हिस्से पर हिजाब ही सारे देश की जड़ है। अगर हिजाब को रोक लगा दी जाए कि हिजाब नहीं पहनना तो मेरा मानना है कि हिंदू औरतें जो हैं और जो मुस्लिम औरतें भी वे भी सुरक्षित होंगी। बाकी जो ये चोरी करने का काम करती हैं, बच्चे चुराने का काम करते हैं, ये भी हिजाब के अंदर ही पहन के होता है। हिजाब के अंदर पहन के कोर्ट में भी मर्डर हो जाते हैं, सारे काम करते हैं, केवल हिजाब के अंदर ही होता है। तो यानी कि सारे मामले की जड़ ही हिजाब है, ये हिजाब ही क्यों है? और कल को जब स्कूल के अंदर विद्यालयों के अंदर अगर जैन समाज भी कहेगा, कहेंगे हम तो निवस्त्र होकर विद्यालय के अंदर जाएंगे, तो क्या वो इनकी भी मांगे मांगनी जाएंगी? हिजाब का काम है स्कूल के, विद्यालयों का काम है स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना, हिजाब में पहन के नहीं आना। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है लेकिन फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपको सरकार का भरोसा नहीं है? विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग, विरोध नहीं कर रहे हैं हम, अपनी सरकार को चेता रहे हैं। कहने लगे अगर इस तरह की होगी तो कहने लगे हम सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी को किस तरह से अधिकारी को फ्रेंड कर रखा है, यहाँ पर अपराधी का नहीं करता, क्या लगता है कर्नाटक में इस तरह का नहीं है? देखिए कि अगर मैं, मेरा मानना ही है कि अगर 7 दिन का अगर सीएम अगर मुख्यमंत्री योगी जी को बना दिया जाए तो वो जो वहाँ की जो पुलिस भी है ना वो भी काम करना शुरू कर देगी। आज आप उत्तर प्रदेश की देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कहने अगर कोई चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी तो मकान भी बिक गए थे, घर पे बुलडोजर तक चल गए थे। एक हर्षा की हत्या हुई है तो अब तक की कोई कार्रवाई नहीं है, वो भी सरकार भाजपा की है और ये भी सरकार भाजपा की है। विकास जी, वहाँ पे जो है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो हर्षा के समर्थन में नहीं आ रहे, जबकि बजरंग दल वाले ही यूपी में। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, पूरा हिंदू समाज कहने लगे वहाँ पे कर्नाटक की सड़कों पर है। कल भी मैंने टीवी के माध्यम से देखा कि कहने लगे वहाँ हुजूम कजूम लाखों लोगों की संख्या में, उसकी जो मृत जो आ रही थी एम्बुलेंस में उसमें भी लाखों लोग कहने लगे उसके समर्थन में, भी समर्थन कर रहे हैं।